हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल टेस्टी मसाला मैगी बनाने की रेसिपी। आई नो मैगी तो सभी को बनाना आती है, लेकिन एक बार मेरे इस रेसिपी से ट्राई कीजिए, आई होप आप सभी को पसंद आएगी। तो देखिए, यहाँ पर पैन में थोड़ा सा बटर डाल दिया है मैंने। बटर की जगह आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ बटर मेल्ट हो गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज। और फिर बस प्याज को आपको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है। और प्याज को बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेना है, इसका कलर वलर चेंज नहीं करना है हमें। तो देखिए, यहाँ जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो गई है, यहाँ पर मैं बारीक कटा हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ और बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। आप चाहे तो कॉर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़े से ताज़े हरे मटर। और फिर बस इन कुछ सब्जियों को हम इसमें पका लेंगे। तो सब्जियों को भी 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये सब्जियां फ्राई हो जाती है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी एक टमाटर। अगर बड़े साइज़ का है तो एक लीजिए, छोटे हैं तो 2 छोटे टमाटर आप डाल दीजिए। और टमाटर को भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। और फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हल्दी डाल दी है मैंने, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाली है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। और फिर जो मैगी के टेस्ट मेकर आते हैं ना, तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर 2 टेस्ट मेकर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो मसाला मैगी बना रहे हैं तो थोड़े से मसाले होना भी इसमें ज़रूरी है। वैसे तो सभी को पता है कि मैगी 2 मिनट में तो नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर ही हम इस मैगी को ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 पैकेट मैगी के लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। मिला लेते हैं एक बार। अब इसे मैं कवर करके बॉईल आने दूंगी। तो पानी में जब बॉईल आ जाएगा ना अच्छे तरीके से, तब हम मैगी इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने हाई फ्लेम पर रखा था इसे, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें मैगी ऐड कर दूंगी। तो आप जब भी मैगी बनाए ना, तो पानी में पहले उबाल आने दीजिए, उसके बाद ही आप इसमें मैगी ऐड कीजिए। अगर आप पहले मैगी ऐड कर देते ना, थोड़ी सी सौगी सौगी सी चिप चिप सी हो जाती है। इस मेथड से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी मैगी बिल्कुल खुली खुली सी बनेगी। और आप चाहें तो मैगी को तोड़ तोड़ के इसके टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी बड़ी बड़ी जो नूडल्स टाइप बनती है ना, वैसे ही पसंद है। और फिर ढक्कन लगा के इसे 2 मिनट के लिए पका लिया था। तो देखिए, इसका पानी पूरी तरह से ड्राई आउट हो गया है और हमारी यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट मसाला मैगी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए, इस गर्मा गर्म मैगी को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए से और फिर इसे सर्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी परफेक्ट मैगी बनके तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा भी मसाले हमने नहीं ऐड किए हैं, बहुत परफेक्ट बनी है ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप बच्चों को इस तरह की मैगी टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाइए, सभी को पसंद आएगी। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय।